तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे टूल की जो आपको पता होने चाहिए अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं या ब्लॉग लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो फर्स्ट टूल आता है आपका प्लैगरिज्म, जो हमें बताता है कि अगर आपका कोई भी आर्टिकल आपने लिखवाया है किसी से या आपने कोई पोस्ट लिखवाया है किसी से या आप खुद पोस्ट लिखते हैं वो कहीं किसी और वेबसाइट या डाटा से कॉपी तो नहीं किया गया हो, क्योंकि अगर डाटा आपका कॉपी किया होगा तो आपकी वेबसाइट पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लैगरिज्म हमें बताता है कि हमारा डाटा कितना कॉपी है और कितना यूनिक है। तो इसके लिए आपको जाना है duplicheckr.com साइट के ऊपर। तो सिंपली आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है, duplicheckr.com पर जाना है और यह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से पेस्ट कर देना है। उसके नीचे जाना है, चेक प्लैगरिज्म पर क्लिक करना है। स्कैनिंग होगी आपके डाटा की और यहाँ पर दिखा देगा कि ये 100% प्लैगरिज्म है या यूनिक। तो 100% प्लैगरिज्म मतलब आपका डाटा कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है, और नीचे आपको दिखा देगा कि किस साइट से डाटा कॉपी किया गया है। अगर यहाँ रिजल्ट आता है 100% यूनिक, तो यानी आपका जो डाटा है वो एकदम ओरिजिनल है, किसी भी साइट से या वेबसाइट से या किसी आर्टिकल से मेल नहीं खाता है। सेकंड आपका टूल आता है पैराफ्रेजिंग, पैराग्राफिंग। तो पैराग्राफिंग में क्या होता है, मान लो आपने आर्टिकल लिखा है जिसकी 10 या 20% जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है, आप उसे यूनिक करना चाहते हैं 100%, तो आपको उनके वर्ड्स को कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, आप खुद से वर्ड्स चेंज नहीं करना चाहते, तो सिंपली आपने जाना है इस टूल वेबसाइट के ऊपर। सेकेंड टूल आता है हमारा farphrasingtool.com। मान लो आपका डाटा मान लो 10 या 20% कॉपी होता है किसी वेबसाइट से और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, तो सिंपली आपने इस टेक्स्ट को जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ पेस्ट करना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और गो पर क्लिक कर देना है। तो नीचे आप क्या है, ये टेक्स्ट को कुछ इस तरह से चेंज कर देगा, उसके वर्ड्स को कुछ इस तरह चेंज कर देगा कि आपको जो प्लैगरिज्म है वो एकदम जीरो हो जाएगा और आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। टूल आता है आपका टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस टू टेक्स्ट। यानी कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ से आप डाटा उठा रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको कॉपी करने का ऑप्शन नहीं मिलता टेक्स्ट को, क्योंकि वहाँ पर राइट क्लिक डिसेबल किया गया होता है। तो सिंपली आप उसे कैसे एनेबल कर सकते हैं या कैसे उनका डाटा आप कॉपी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, onlineocr.net। तो मान लो कुछ वेबसाइट्स में जो है आपका राइट क्लिक नहीं कर पाते, आप वहाँ से डाटा कॉपी नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको उनका स्क्रीनशॉट लेना है और उनके स्क्रीनशॉट को अपने यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ से चूज़ करना है लैंग्वेज, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉट टेक्स एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट। तो आपके उस स्क्रीनशॉट में जितने भी टेक्स्ट होंगे वो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।